सरदा थाना क्षेत्र के गोरहरा गांव के हल्के के सिपाही नीरज यादव द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है। जरूरतमंदों के यहां जाकर राशन दिया जा रहा है, जिसकी चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। गोरहरा दलित बस्ती जाकर लोगों से मिले, वहीं कुछ लोग दिल्ली मुंबई से आए थे, जिसको नोटिस देकर कहा गया पहले आप लोग अपना मेडिकल चेकअप कराएं, डॉक्टर से सलाह लें, अपने घरों में रहें, किसी से बाहर ना मिले, क्योंकि इस समय कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप लोग बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घर में रहें, बाहर ना निकलें। इस अवसर पर ग्राम प्रधान संदीप यादव भी मौजूद रहे। यह भी कहें कि पुलिस का पूरा सहयोग करें, शासन द्वारा जो भी आदेश मिल रहा है उसका पालन करें। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ती, सफाई कर्मी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। सभी लोग घर घर जाकर लोगों की जानकारी ले रहे थे। ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप प्रधान जी का फोन नंबर ले लीजिए, जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं इनको तुरंत सूचित कीजिए। ठीक, हाँ, ये लोग बाहर से आए हैं, अभी आए हैं या चार दिन पहले, चार हफ्ता दिन पहले, तुरंत प्रधान को सूचना करिए। इनकी आगे की जिम्मेदारी होगी, इनको क्या करना है, इनको सारी चीजें बता दी गई है। ठीक, शाम की सारी व्यवस्था तो शाम को हो गई, आटा चावल गेहूँ जो भी क्या क्या नहीं है आपके पास, तो हमें पर्ची दे दीजिए, हम सामान आपको लिख के दे, सामान होगा आपको ना कुर्सी बैठाओ मत, लेकिन आप उन लोग घर से बाहर मत निकलिए, बाहर मत समझा लीजिएगा। तब प्रसाद घर बताओ कौन घर के अंदर आइए, घर से बाहर मत निकला लोग 14 दिन और दिक्कत जबर रही, हमने से बताइए और सारी व्यवस्था हमने कह के आप लोगों जो भी सुविधाएं होंगी आपको मिलेगी। ठीक, अभी खाने पीने के लिए सुबह कुछ बना था? अच्छा, शाम के लिए चला जाए व्यवस्था, हम व्यवस्था हम कर देंगे। ठीक, हमारी तरफ से जो भी होगा हम कर देंगे। अभी जा रहे हैं, सूचना मत देना, जब हमने सूचना मिला तो फटाफट कर। इस समय भी तो आपको कोरोना महामारी को लेकर ये सूचना थी कि नहीं? वहाँ तो सर ऐसा कुछ नहीं, 13 मार्च को नहीं थी ऐसी सूचना? वहाँ दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब बाहर देश में था ऐसा हल्ला गुल्ला हुआ, मतलब दिल्ली में ऐसा कुछ फिर भी आप बाहर से आए। ठीक, सबका मतलब प्रदूषण अलग अलग है, यहाँ आप सुरक्षित घर में रहिए 14 तारीख तक, उसके बाद डॉक्टरी जांच होगी आपकी। आप बाहर से हैं, पूरा डिटेल से सफाई कर्मी है, हमारे प्रधान जी हैं, सब लोग अपना रखे हैं। ठीक, बाकी फालतू मतलब घर से बाहर मत निकलिए, बाहर से आने वाले व्यक्ति सख्त हिदायत है कि आप लोग घर से मत निकलिए। अरे यार तो बताइए करे, मेरे पल्ले रजिस्टर तू बतावा ना, तो से इधर चल पूछल जात कब ता रहा है। हमको आने थे 15-16 दिन हुए, 15-16 दिन 16। एक बार किसी को सूचना दी है? यहाँ पर दो लेडीज किसमें रहती है जो आए थे फोटो लेने के लिए, वहाँ वो सब नहीं बता सकती है। आंगनबाड़ी आशा, आपको नोटिस मिला? घर से बाहर नहीं निकलेंगे 14 अप्रैल तक। ठीक, अभी 14 अप्रैल तक तो बाहर निकलेंगे ना, ये नहीं हम कह रहे कि आपके अंदर है, लेकिन सबका बचाव, बचाव सबको करना है। देखिए आप सर, आप बस सही करें, लेकिन मैं हमारा कहना में 15-13 दिन हो गया है, आप लोग आ जाइए चेक करने के लिए। ठीक मार रहे हैं, जिस दिन आए उसी दिन आना चाहिए, सूचना दिए थे आप, जैसे आप आए आंगनबाड़ी रोड की टिकट बटा ली, इसको सारी व्यवस्था की बात बता दी। जहाँ दिन रात गोढ़ारा पुलिस बैठती है, किसी को बताए चाहे किसी को सूचना दिलवाए कि हाँ हम पुलिस को भी सूचना दे रहे हैं। अच्छा आप बताइए सर, जो सूचना दिए थे वो तो पहले भी दे सकते हैं जिस दिन आए थे, वही चीज आपसे पूछा जा रहा है ना कि उसी दिन आपको दे देना चाहिए। फिर हाँ सर, फिर आप वही कह रहे हैं जैसे आपकी जिम्मेदारी हो लग, तुरंत सूचना दे दू तो सामने वाला एक दिन दो दिन में नीरज भैया पता पाई तोरी आई रजिस्टर मेंटेन करी नोट करी। हमको नहीं पता था, देखिए बात सुनिए, जब जैसे बताओ तू अइला तो के ना मालूम रहा, और दूसरे कैसे नीरज भैया मालूम हो जाए। आपके काम सूचना रहा देव ने, हमारी बात सुनिए, देखिए बाहर से जितने भी लोग आने वाले हैं ये सबको काहे क्लोज किया जा रहा है, ये बीमारी अपने यहाँ नहीं है। हाँ, ये जो भी बीमारी है बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, हाँ, वही लेके आ रहे हैं, बात सही है। इस चीज को आप बचाव कीजिए, जान लो तोरा सुरक्षा बदल दी जाता है। नहीं सर, बीमारी है आप बात सर, आप घर में रहिए ज्यादा, मतलब आप बात मत करिए कि हाँ ये तमाम तर्क मत करिए। काहे ना रिसीव करते नोटिस? कहीं ना आई हूं तो कल है ना। हां अच्छा, कहीं ना आ रहे से बाहर मत निकलिए। ठीक, घर से बाहर मत निकलिए, नोटिस लेके आओ। कब के घर पे आए हैं? अरे उनका 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए, आप लोग सूचना दिए किसी को?
नहीं सोचना तो नहीं जी, जे नोटिस चढ़ाए हैं जिस पे उनको तो पता रहना चाहिए ना। जी ऐसी महामारी चल रही है, जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं वो अपना मतलब 14-21 दिन का जो लॉकडाउन हुआ है वो 14 अप्रैल तक अपने सुरक्षित घर में रहे, उसके बाद बाहर एकदम ना निकले, उसका पालन किया जाए। जे भी हो नोटिस चक्री यहाँ होते अपन रिसीव करें। कोई इलाज नहीं, इसका इलाज यही है कि घर से आप बाहर मत निकलिए। अच्छा बताइए, ग्राम प्रधान संदीप पे अलग बढ़ा रहा, नोटिस हम लोग रिसीव करा रहे थे लेने से इनकार। किस चीज का नोटिस? ये जो बाहर दिल्ली बम्बई से आए हैं उसी की नोटिस हम लोग दे रहे थे, लेने से इनकार कर दिए। तब नीरज यादव सिपाही हमारे चौराहे थे, उनको सूचना दिया गया, वो जाके रिसीव करवाए। कितने व्यक्ति को रिसीव करवाए होंगे आप? अब तक सर जो है 29 लोगों की रिसीव हो चुकी है। अच्छा 29 लोग, हाँ ठीक, धन्यवाद।